उत्तर प्रदेश में पहले चरण का नगर निकाय चुनाव 4 मई है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं अगर प्रचार की बात की जाए तो सिर्फ 6 दिन बचे हैं पहले चरण के प्रचार को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्य चेहरे हैं, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हो, प्रदेश प्रभारी हो, लगातार सब पसीना बहा रहे हैं और प्रचार में तमाम जगह जनसभाएं कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और अलग अलग जगह जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी फिलहाल तक एक भी प्रचार के लिए कोई नहीं निकला है। 28 या 29 तारीख से समाजवादी पार्टी ग्राउंड पे उतर सकती है प्रचार के लिए, लेकिन अभी तक कोई जमीन पर पसीना बहाते हुए नहीं नजर आया। वहीं अगर कांग्रेस की और अगर बसपा की बात की जाए तो दोनों ही ग्राउंड जीरो पर जाकर कोई प्रचार नहीं कर रहा है। मायावती ने और कांग्रेस ने दोनों का ही पिछले चुनाव में प्रदर्शन बेहद खराब था, लेकिन इस बार भी जमीन पर जो है प्रचार करते हुए कोई भी नजर नहीं आ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर निकाय चुनाव को लेकर के ट्वीट किया है और इस ट्वीट पे साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से भाजपा और बसपा एक ही तरीके से मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं और साथ ही साथ जनता की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटका रही हैं, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर फिलहाल सरकार काम नहीं कर रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट कर ये भी कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में प्रलोभन दे रही है जनता को, उन पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रलोभन के माध्यम से वोट मांगे जाते हैं तो इसका भी पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए, इन मुद्दों को लेकर के चुनाव ना लड़ा जाए, यानी कि जो जमीन पर मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के ही चुनाव में उतरा जाए। ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि पूरी तरीके से बसपा निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी। चुनाव में बागी तेवर साफ देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल का सबक बन सकता है। अगर बागी नहीं माने तो ये 2024 के लिए एक गलत साइन भी दिया जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची क्या जारी हुई, बागियों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, पर अब इसकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। कल लखनऊ मुख्यालय पर हुई बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने ये जिम्मेदारी तय की है कि जिस क्षेत्र के विभागी होंगे उस क्षेत्र के विधायक और सांसद की जिम्मेदारी होगी कि वो उन बागियों को शांत करके बैठाएं। माना जा रहा है कि अगर बागी तेवर नहीं माने तो ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गलत संदेश देते हुए नजर आ सकते हैं। निकाय चुनाव क्योंकि बूथ से मिलकर चुनाव माना जाता है, इस स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं में अंदरूनी कलह न हो इसकी जिम्मेदारी भी तय कर ली गई है। माना जा रहा है कि साफ निर्देश दिए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बागी हैं उस क्षेत्र के विधायक और सांसद उनको बैठाने की कोशिश करें, और अगर नहीं बैठते हैं तो उनके विधायक और सांसदों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वोटरों से एक ऐसी अपील की है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वोटरों से अनोखे अंदाज में अपील की है। वित्त मंत्री का कहना है कि कोई भी वोटर मतदान के दिन अपनी ससुराल ना जाए, अगर ससुराल जाएगा तो वोट नहीं पड़ पाएगा। ऐसे में उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि ससुराल में भले ही बड़ी कातिदारी होती हो लेकिन वोट नहीं पड़ पाने से कहीं न कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि आज उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करते समय एक बड़ी बात कही थी और ये बड़ी बात उन कार्यकर्ताओं को समझाई है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर से कि कोई भी वोटर अपनी ससुराल मतदान के दिन न जाए। हालांकि वोटरों को वित्त मंत्री की बात सुनकर हंसी आई और वोटरों ने वादा भी किया है कि वो मतदान के दिन ससुराल नहीं जाएंगे, लेकिन ये बड़ी अपील सुरेश कुमार खन्ना ने की है उसके बाद से लोगों में इस वीडियो वायरल के बाद चर्चा हो गई कि आखिर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ये भी कहा कि मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ इसीलिए मैं ससुराल का नहीं जानता कि ससुराल का सुख कैसा होता है, लेकिन कहीं कहीं मंत्री ने वोटरों से और कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील करते हुए बताया है कि लोग चुनाव के दिन मतदान के दिन वोट जरूर डालें और ससुराल ना जाएं। जैसे जैसे नगर निकाय का मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, क्योंकि 4 मई को यहाँ मतदान होना है, ऐसे में कल एक वीडियो वायरल हुआ है शाहगंज के प्रत्याशी का, जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा ही समय वहाँ के जो विधायक हैं रमेश सिंह, उनके सामने कार्यकर्ताओं ने अपनी टुकड़ा सुनाया
कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं गीता जायसवाल, उनके पति प्रदीप जायसवाल, उनके द्वारा अवैध कब्जा मेरी जमीन पर कराया गया है, क्योंकि लगातार क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में तमाम नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसे में सागर के जो प्रत्याशी है उनका वीडियो वायरल हुआ है कि जिस तरह से कार्यकर्ता ने अपने दुखड़ा वहाँ के विधायक के सामने लगाया है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी वहाँ से तमाम ऐसे उनका विरोध है, क्योंकि टिकट उनको मिलने से बीजेपी के कई कार्यकर्ता अपने पार्टी छोड़कर निर्दलीय वहाँ से नामांकन किया है, ऐसे में एक वीडियो वायरल हो रहा है वहाँ का जमीन कब्जा को लेकर वहाँ के प्रत्याशी के द्वारा, जो कि कार्यकर्ता ने विधायक के सामने अपना दुखड़ा जाहिर किया। जैसे नगर निकाय चुनाव को लेकर सारी पार्टियां दम भर रही हैं, कई कार्यक्रम मंत्रियों के लगाए गए हैं और कई विधायक भी दौड़ा कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि लगातार क्षेत्रों में निकलकर नगर निकाय को लेकर चाहे सपा हो और चाहे भाजपा या फिर बसपा या फिर कांग्रेस, सारी पार्टियां दम भर रही हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी संजय मिश्रा बबलू का गाड़ियों का काफिला चल रहा है और वो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी होने के नाते अधिकारी कार्यों कार्रवाई करने से बच रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद अब सभी प्रत्याशी अपने प्रचार में जुड़ चुके हैं, नामकरण की प्रक्रिया भी अब खत्म हो चुकी है। बागपत के अंदर दूसरे चरण में 11 मई को चुनाव है और अभी सब प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए जुट चुके हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, बागपत के अंदर आरएलडी के प्रत्याशी रजनी धामा और उनके पति और उनके समर्थकों पर आचार संहिता के चलते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और उनकी गाड़ी को सीज किया गया है। 12 इनाम दर्ज और 50 जो माफिया तीक अहमद के दोनों बेटे जिसमें अली और उमर का नाम शामिल है, अब उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अतीक अहमद के गुर्गे और साथ ही साथ बड़े बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दोनों बेटों समेत आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। हालांकि ये मुकदमा प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने अपने ही गैंग के कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें अतीक अहमद के दोनों बेटे अली और उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कि उन्होंने बंधक बनाया, जान से मारने की कोशिश की, यहां तक कि रंगदारी वसूलने के लिए कई बार उसको जबरन उठाया गया, उसे बंधक बनाया गया और इस दौरान उसको कई प्रताड़नाएं भी दी गई। हालांकि पूरे मामले को लेकर पहले ही उमेश पाल हत्याकांड में साजिश के रूप में दोनों बेटों पर लगातार जांच चल रही है, पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम का भी दोनों बेटों पर केस दर्ज कराना कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलों को जरूर बढ़ा रहा है। हालांकि यूपीएसटीएफ लगातार जांच कर रही है कि लखनऊ जेल में बंद उमर से पिछले 4-5 महीनों में कौन कौन लोग मिले हैं और उमेश पाल हत्याकांड में शूटर्स को फायदा पहुंचाने या उनको मदद करने के लिए उमर की तरफ से क्या चीजें की गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब उमर और अली जो कि दोनों जेल में हैं, दोनों बेटों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। जिन पहलवानों को अखाड़े में होना चाहिए वो पहलवान अपनी मांगों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हमने शिकायत दर्ज कराई है और दिल्ली पुलिस पूरे मामले में FIR दर्ज नहीं कर रही है। पहलवानों की बात करें तो इन पहलवानों में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के अलावा बजरंग पुनिया के साथ साथ तमाम पहलवान जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। इन पहलवानों ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी डाली है और याचिका में सीधे तौर पर कहा गया है कि दिल्ली पुलिस पूरे मामले में FIR दर्ज नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है सील बम लिफाफे में और कहा है कि पहलवानों की क्या कुछ शिकायत है हमें बताया जाए। कल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि इस बार का जो प्रदर्शन है वो पहले के प्रदर्शन से अलग बताया जा रहा है। पहलवान कह रहे हैं कि पहले वाले प्रदर्शन में हमें मिसलीड किया गया, इस बार के प्रदर्शन में हम सभी राजनीतिक दलों को और जितने भी संगठन हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हमारा साथ दें। अब देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो पहलवानों की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है, खासतौर पर दिल्ली पुलिस की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में सफाई दी है कि जो कमेटी खेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई है उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस रिपोर्ट को पहले हम देख लें, हमने रिपोर्ट को मांगा है। अब पूरी निगाह जो है सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, कल सुनवाई होगी तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्या कुछ फैसला सुनाता है या कोई अगली तारीख तय करता है। संजय शेरपुरिया को कल लखनऊ के विभूतिखंड इलाके से गिरफ्तार किया गया था, यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी। संजय शेरपुरिया की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो एडिट करके लोगों के बीच में रौब जमाकर ठगी करने का काम करता था। यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया, उसके बाद पूछताछ हुई तो तमाम बड़े अहम खुलासे हुए हैं कि किस तरीके से वो दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अपने सिंडिकेट को चला रहा था। इसी बीच एक और खुलासा हुआ है कि गौरव डालमिया से 11 करोड़ रुपए संजय
शेरपुरिया ने लिए थे, और पैसे इसलिए लिए थे क्योंकि गौरव डालमिया की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर ईडी लगातार जांच कर रही है, और ईडी की जांच से बचाने के लिए संजय शेरपुरिया ने तमाम नेताओं का नाम लेते हुए 11 करोड़ रुपए लिए थे, जिसके बाद एसटीएफ की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। वहीं 400 करोड़ रुपए बैंकों से लोन भी तमाम कंपनियों को दिलाया गया था, जिसके बाद वो कंपनियां डिफाल्टर हो गई हैं। अब देखना होगा संजय शेरपुरिया को जब यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है तो उसके बाद तमाम और कौन कौन से खुलासे हो सकते हैं। संजय, उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अगले 10 दिनों में जो कोरोना के केस हैं उनमें भारी कमी आएगी। हालांकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के अंदर 627 नए केस आए, वहीं सबसे ज्यादा नए केस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए। लखनऊ में 120 नए केस आए, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा चिंतित है। स्वास्थ्य महकमा लगातार जो कोविड के पेशेंट आ रहे हैं उनकी निगरानी कर रहा। वहीं दूसरी ओर बात करें, जो स्वास्थ्य महकमा का कहना है कि जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो सतर्क रहें। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेजों में सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क अनिवार्य किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना को मात देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश बनारस शहर इन दिनों जाम की समस्या से जूझ रही है। सड़कें जो भी हों, इलाका जो भी हो, शहर का कोई भी कोना हो, जाम बुरी तरीके से लोगों को हैरान और परेशान कर रहा है। यदि दूसरी ओर देखा जाए तो ऊपर धूप की तलखी और नीचे पहिया का जाम होना लोगों के परेशानी की सबक बन रही है, या ये कहा जाए कि उनके दिनचर्या को प्रभावित करता नजर आ रहा है। रही बात ट्रैफिक पुलिस या फिर प्रशासन की, तो ये लगातार तमाम प्रयास करने के बाद तमाम योजनाओं के साथ भी बनारस को जाम के जकड़न से दूर करने में अभी तक असफल है। अब देखना ये होगा कि बढ़ते हुए रोज पर्यटकों की संख्या के बीच बनारस की ट्रैफिक प्लान कब काम कारगर होती है, कब काम करती है, और क्या प्रशासन वाकई लोगों को सुगम राज देने के लिए वाकई क्या कटिबद्ध हो पाता। जिलाधिकारी कुशीनगर ने आज जिले के दुधही ब्लॉक के कई गांवों का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों, विद्यालयों, पंचायत भवनों के साथ साथ अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों के साथ बैठक किया गया और जिम्मेदारों को निर्देश देते के साथ साथ उन्होंने संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। आज जिलाधिकारी कुशीनगर रमेश रंजन के द्वारा दुधही ब्लॉक के ठाड़ीबाग, धर्मपुर पर्वत, गौरी श्रीराम सहित अन्य गांवों का निरीक्षण किया गया। सबसे पहले जिलाधिकारी के द्वारा धर्मपुर पर्वत के में नवनिर्मित जल जीवन मिशन के तहत नाली और संबंधित पाइपों का निरीक्षण किया गया, उसकी गुणवत्ता देखी गई। उसके उपरांत जिलाधिकारी के द्वारा धर्मपुर पर्वत के विद्यालय का निरीक्षण किया गया, जहाँ पर जिलाधिकारी ने संबंधित जिम्मेदार को निर्देश भी दिया। उसके अलावा ग्राम सभा में बने सुख की भी गुणवत्ता देखी गई और संबंधित जिम्मेदारों की उसमें गुणवत्ता में अनियमितता मिलने पर जिलाधिकारी के द्वारा डांट भी लगाई गई। इसके उपरांत जिलाधिकारी के द्वारा दही ब्लॉक के ठाड़ीबार गांव का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर जिलाधिकारी के द्वारा सामूहिक रूप से एक स्वयं सहायता समूह के लोगों के साथ बैठक किया गया और उन्हें उनके कार्यों के दायित्वों के साथ साथ उन्हें अन्य निर्देश भी दिए गए और विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया गया। बाराबंकी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कब्जे से 19 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद। छत्तीसगढ़ से लाकर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में होता था सप्लाई। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र का है, जहां से लोनी कटरा थाना पुलिस ने गांजा तस्कर सरगना कौशिक मिश्रा सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 19 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा, एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिसका खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण ने बताया कि ये सभी तस्कर छत्तीसगढ़ के रायपुर से अवैध गांजा मंगवा कर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, अयोध्या, बहरेच व आसपास के कई जनपदों में गांजे की सप्लाई करते थे, जिसको लेकर पुलिस ने सरगना कौशिक मिश्रा सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पुलिस बाकी इनके नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि इस गांजा तस्करी में कितने लोग अन्य शामिल थे उस पर भी पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में अभी और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि लगातार जिस तरह से नगर निकाय चुनाव
मद्देनजर आ रहे हैं। उसी बीच लगातार यहाँ के एसपी जगदीश मिश्रा ने अपराध अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार मुहिम चल रही है। उसी के तहत दो दिन में लगातार यहाँ पर अवैध शस्त्रें पकड़ी गई हैं। बताया जा रहा है कि जो नगर निकाय चुनाव में उनका प्रयोग होता, लेकिन इससे पहले यहाँ के एसपी जगदीश मिश्रा की टीम ने उन लोगों को धरपकड़ की है और दोनों अवैध शस्त्रों का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि जिससे कि यहाँ पर सदर कोतवाली इलाके में एक आरोपी जो कि 10,000 का इनामी भी था और वो अवैध फैक्ट्री संचालित करता था, उसको हथियार उसके साथ बरामद किए गए हैं। इसी तरह से आज बनिया ठेर थाने में भी अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसका नाम जुबैर बताया जा रहा है। काफ़ी समय से वो अवैध हथियार बनाया करता था और अब क्योंकि नगर निकाय चुनाव में उसमें डिमांड पर ये हथियार बना रहा था, हो सकता था कि जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में हथियारों का प्रयोग किया जाता, उन हथियारों से पहले एसपी जगदीश मिश्रा की जो मुहिम है कि अपराध अपराधियों के खिलाफ लगातार टावर तोड़ यहां पर दबिशें दी जा रही हैं, उसी के घबराते हुए यहां पर लगातार जो बदमाश हैं, अभी फिलहाल थाना हैदनर की बात की, उसमें एक बदमाश ने सरेंडर किया था, लेकिन अब जिस तरह से दो अवैध शस्त्र फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं, इसमें बताया जा रहा है काफ़ी तादाद में बने अवैध बने हथियार बरामद किए गए हैं और उसके अलावा जिस तरह से इनके जिंदा कारतूस इनके पास पकड़े हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो नगर निकाय चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं हथियारों का प्रयोग होता और कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता, तो हो सकता है कानून व्यवस्था में सेंध लगती, लेकिन उससे पहले संभल की पुलिस और योगी पुलिस लगातार एक्शन में है और जिस तरह से योगी पुलिस का कहना है कि माफियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो कहीं ना कहीं अपराधियों पर इसका असर है। जनपद पीलीभीत में पूरनपुर क्षेत्र में शारदा नदी बह रही है, वहीं धनारा घाट पर यातायात के लिए धनारा घाट दो जनपद की सीमा भी है, पीलीभीत से लखीमपुर को जोड़ता है, वहां आज भी पेंटून पुल है, उस पेंटून पुल पर ही लोग यात्रा करते हैं। आपको बता दें वहीं देर रात माधोटांडा निवासी जो लखन कश्यप अपनी बाइक से आ रहे थे, वहीं उनके साथ पूरनपुर निवासी सुरेश कश्यप थे जो देर रात वापस आ रहे थे। जैसे ही धनारा घाट पेंटून पुल पर पहुंचे तो अचानक बाइक उनकी फिसल गई और शारदा नदी में जा गिरे। जैसे ही नदी में गिरे और आवाज़ आई तो दूर खड़े बबलू माझी जो कि नाविक हैं, नाव चलाने का काम करते हैं, यात्रियों को निकालते हैं, आवाज़ सुनकर तत्काल वहां नाव लेकर पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे उनकी बाइक को नाव पर लादा, वहीं शोर सुनकर आसपास के क्षेत्र के लोग भी वहां मौके पर पहुंचे और उनको बचाने की कवायद शुरू कर दी। हालांकि दोनों लोगों का सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं बबलू माझी का कहना है कि 1999 से अभी तक वो वहाँ नाव चला कर अपना जीवन यापन करते हैं और इस तरह से घटना होने का, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 1999 से अभी तक लगभग 20 लोगों को डूबते हुए जान बचाई है और ऐसा आज फिर उन्होंने कर दिखाया कि दो लोगों की जो बाइक से फिसलने से शारदा नदी में डूबने लगे थे उन्हें डूबने से बचा लिया, उनकी जान बचा दी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपए से जहां पुल निर्माण होते हैं धनारा घाट जैसे जो बॉर्डर को जोड़ता है, दो जिलों को जोड़ता है, आज भी उस पर पुल निर्माण नहीं किया गया है। भूपिया मऊ ओवरब्रिज का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, लोगों ने भागकर जान बचाई, मचा रकम। हालांकि मैं आपको बता दें, यह प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के भूपिया मऊ चौराहे का मामला है, जहाँ ये जो चौराहा है या भूपिया मऊ ओवरब्रिज है या लखनऊ बनारस का ओवरब्रिज है, जहाँ यह जोड़ने वाला भूपिया मऊ ओवरब्रिज है, वहीं बात की जाए जो ओवरब्रिज का छोटा टुकड़ा हिस्सा को तोड़ कर नीचे गिर गया, लोगों ने अपनी बाघ का जान बचाई। कहीं यह ओवरब्रिज से आवागमन का जो है ये हजारों की संख्या में वाहन पास होते हैं, जहां एक साल पूर्व यह बनाया गया था ओवरब्रिज, यह करोड़ों की लागत से बना हुआ ओवरब्रिज था। वहीं बात की जाए तो PWD के विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं प्रतापगढ़ DM डॉक्टर नितिन बंसल ने पूरे मामले की जाँच का आदेश दे दिया है। भूपिया मऊ ओवरब्रिज का कुछ हिस्सा टूट कर नीचे गिर बिजनौर शहर में फिर गुलदार का आतंक इस कदर देखने को मिला है कि 12 घंटे में गुलदार ने फिर दो को मौत के घाट उतारा। जी हां, आपको बताते चले, बिजनौर में लगातार एक महीने से गुलदार इस कदर वार कर रहा है कि वन विभाग को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बताते चले, बिजनौर में लगभग अगर बात की जाए मौतों की तो 9 से ज़्यादा मौतें गुलदार की अटैक से अब तक हो चुकी है और दर्जनों से ज़्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। अगर बात करें वन विभाग की तो वन विभाग कहीं ना कहीं लापरवाह नज़र आ रहा है। जब कोई भी मौत हो जाती है तो वन विभाग पिंजरे ड्रोन वे ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन पहले उस कुछ करने के लिए तैयार नहीं रहता। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब बिजनौर निवासियों का कहना है कि गुलदार को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा और आदमखोर गुलदार लगातार कहीं ना कहीं अटैक कर बच्ची बड़े सब पर हमला कर मौत के घाट उतार रहा है। 12 घंटे में जो मौत दो मौतें हुई हैं, एक मौत नजियाबाद की पुलिया पर हुई है और एक नगीने में घर में खेल रहा बच्चा
अचानक लाइट भागने के दौरान ही गुलदार पकड़ और जंगल ले जाता है, जहां उसका खून चूर मौत के घाट उतार देता है। इस तरह की मौत बिजनौर में एक बड़ा सवाल हो रहा है, जिसको लेकर बिजनौर में कल हंगामा भी किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग कह रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं और कैस्को की लापरवाही से 5 संविदा कर्मियों की जान जाते जाते बची, पावर सप्लाई बंद नहीं की और 5 संविदा कर्मियों को ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए भेज दिया गया। ट्रांसफार्मर ठीक करने के दौरान उन सभी 5 उसमें झुलस गए और उन सभी को इलाज के लिए पास का अस्पताल लिया गया, जहां पर 3 संविदा कर्मियों को तो इलाज के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन 2 कर्मियों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई। हादसे की जानकारी मिलते ही कैस्को MD समेत सब स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पावर सप्लाई बंद करने के बाद उस ट्रांसफार्मर को ठीक किया गया जो खराब पड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं कैस्को कर्मचारियों और जो कंट्रोल में बैठे जो पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करते उनकी लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर पावर सप्लाई क्यों नहीं बंद की गई या फिर पहले से बंद थी अचानक किसने उसको चालू कर दी। इन सभी तथ्यों पर जांच हो रही, जांच के बाद जो भी इस पर दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की बात कही जाएगी। ऐसे में जो 2 व्यक्ति जो गंभीर रूप से झुलसे जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है, पर उन परिवार वालों ने मुआवजे की मांग की है, साथ ही एक अप्लीकेशन भी कैस्को MD को दी है कि उनका इलाज प्रॉपर तरीके से कराया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो कर्मचारियों का इलाज चल रहा है उनका खर्चा क्या कैस्को उठाता है या फिर आगे चलकर जो आश्वासन दिया गया वो सिर्फ आश्वासन बनकर ही रह जाए। कोतवाली थाना क्षेत्र के अग्रसेन चौराहे के पास तार और पेड़ की रगड़ से लगी आग बीती रात की है घटना। खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि इस समय नगर निकाय का चुनाव करण देखने को मिल रहा है। हर तरफ राजनेताओं की प्रलोभन वाली भाषाएं सुनने को मिल रही है। गोरखपुर जिले में खासतौर से जिस तरह से बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र के अग्रसेन चौराहे के पास तार और पेड़ की रगड़ से आग लगी, सभी राजनीतिक पार्टियां मौके पर पहुंची। वहीं राहगीरों द्वारा जो है कि तार को किनारे तो किया गया, लेकिन आते जाते लोग भी बाल बाल बचे। खासतौर से आपको बता दें दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में जुट गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजनेताओं द्वारा मौके पर हाजिरी लगाई गई और जुटे हुए बीते कई वर्षों से चल रहे अमृत योजना के तहत पड़ रही सीवर लाइन को लेकर कहीं ना कहीं से सवाल जरूर उठ रहे हैं। रायबरेली के ITI और कई ऐसी रोडें हैं जहां पर सीवर लाइन का काम जारी है और अमृत योजना के तहत इस काम को कराया जा रहा है, लेकिन इसमें भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हल्की बारिश ने ही करोड़ों रुपए की इस योजना के पोल खोल जरूर दी है। वहीं अगर बात की जाए बालापुर ITI नेहरू नगर जहां पर ये रोडें बन रही हैं, बाकायदा जो उसके ऊपर से लेयर डाली जा रही है, उसके पास रोड बनाई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई जरूर दिख रही है। आए दिन एक्सीडेंट होना, एक मौत भी हो चुकी है, लेकिन इस पर जिलाधिकारी गंभीर नहीं है, जबकि स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर उनकी मेल पर शिकायत पत्र जरूर भेजा है, लेकिन अभी तक अधिकारी इस पर मौन है। उस पर बड़ा सवाल जरूर उठता है, कहीं ना कहीं से इस योजना को वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये अधिकारियों को सवालों के घेरे में जरूर खड़ा करता है। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कार्रवाई अधिकारी करते हैं। चित्रकूट पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही नमामि गंगे हर घर जल योजना में प्रयुक्त किए जाने वाले पाइपों को 2 चोर चोरी करके DCM में लाद करके ले जा रहे थे। सूत्रों के अनुसार जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस ने रायपुरा थाना के आसपास घेराबंदी कर ली है और 2 चोरों को DCM में लदे 50 पाइपों के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें चित्रकूट पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि CO शीतला प्रसाद पांडे व राजापुर थाना प्रभारी या उनकी टीम द्वारा 2 चोरों को घेराबंदी करके DCM में लदे हुए 50 पाइपों के साथ गिरफ्तार किया है। इस योजना के तहत ये चोर पाइपों को चोरी करके अन्य जगहों पर सप्लाई करते थे। इसकी शिकायत मिलने पर लगातार पुलिस इनके पकड़ने के लिए चारों तरफ से टीमें लगाई हुई थी। रायपुरा थाना पुलिस व CO City ने घेराबंदी करते हुए इन दोनों चोरों को गिरफ्तार